हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है एम2 सोलर ट्रैवल पे। मैं आपका होस्ट है दोस्त। मैं जैसा कि भोले बाबा के हमारे भारत देश और पूरी दुनिया में कई सारे मंदिर हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं, कई कई हजारों साल पुराने हैं। जैसे कि हमारे भारत में तो 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक वैसे ही आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ एक बहुत ही प्राचीन भगवान शिव के मंदिर, जो कि है पूरा महादेव मंदिर, जिसे परशुरामेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है कहाँ पर है, यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी कहानी क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर नया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ आपको, मंदिर के दर्शन कराता हूँ और वहाँ के आगे आपको यहाँ की स्टोरी, यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं सब बताता हूँ। चलते आगे, देखते हैं। हर हर महादेव। तो पूरा महादेव पहुंचने के लिए या तो आप बागपत जा सकते हैं या फिर मेरठ। मेरठ से भी आपको बागपत के लिए बस मिल जाएगी, और बागपत जो है ज़्यादा जगह से कनेक्टेड नहीं है, तो बागपत पहुंचने में इशू होता है। तो आप मेरठ प्रेफरेंस देना, मेरठ से आपको बागपत के लिए बस मिल जाएगी। या फिर अगर आप बागपत पहुँच सकते हैं तो बागपत से भी आ सकते हैं। बागपत और मेरठ के बिल्कुल सेंटर में ही पड़ता है पूरा महादेव मंदिर, जो कि बागपत से भी 30 किलोमीटर के आसपास है और मेरठ से भी 30-35 किलोमीटर के आसपास है। वो आपको बाहर मेन रोड को उतार देगी, वहाँ से ई रिक्शा और ऑटो जो चल रहे हैं वो आपको पूरा महादेव तक आपको ड्रॉप कर देंगे। चलिए, और कोई इन्फॉर्मेशन होती वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हो रहा सामने मंदिर, और बाहर ये मार्केट जहाँ पे आपको प्रसाद और खिलौने विलौने अगर लेके जाने बच्चों के लिए सब मिल जाएगा। तो दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, जगह जगह यहाँ पे भंडारे की सेवा हो रही है, खीर मिल रही है, आलू पूरी की सब्ज़ी मिल रही है। अगर आप अभी सावन के महीने में आते तभी मिलेगी, उसके बाद मैं बता नहीं सकता। बाहर बहुत ही सुंदर मार्केट लगा है, मार्केट का एक छोटा सा मेला ही कह सकते हैं, जहाँ पे आप प्रसाद खरीद सकते हैं, खिलौने खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए खूब शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए आगे दर्शन कराता हूँ, और फिर आपको दर्शन करने के बाद इसमें आपको मंदिर की कहानी सुनाता हूँ। Bam 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 b
चलते रहो पूरा महादेव में मार्च में फागुन के महीने में और जैसे कि जुलाई का महीना सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे जो है कांवड़िया हरिद्वार गंगोत्री और ऋषिकेश से जल लेकर आते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और यहाँ पे जो है कांवड़िया जो है लाखों की संख्या में आते हैं। अगर पीछे आप देखेंगे तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, लाखों की तादाद में यहाँ पर कांवड़िया पहुँचे थे, उन्होंने यहाँ पर जल चढ़ाया था। तो उस समय भी आप दर्शन करने आ सकते हैं लेकिन उस समय काफ़ी भीड़ रहेगी। तो आप अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो आप आराम से आइएगा, मंडे को छोड़ के यानी कि ट्यूसडे वेनसडे आ जाइए, थर्सडे आ जाइए, उस समय आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सावन के महीने में तो हाँ, और फागुन के महीने में यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं और यहाँ पर पूरे साल ही लाखों भक्तों का ताज़ा लगा रहता है, यानी कि आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। चलिए और बताता हूँ मैं इसके बारे में, और दिखाता हूँ।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ की स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो शिवलिंग जिसके मैंने आपको दर्शन कराए, ये जो है बहुत ही प्राचीन है और ये जो है स्वयं भगवान परशुराम ने स्थापित किए थे, इसलिए आपको परशुरामेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। तो बहुत ही प्राचीन कथा है, मेरे को लग रहा थोड़ा बाहर जाकर सुनना पड़ेगा थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत बैकग्राउंड में जयकारे लग रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा दूर लेके फिर सुनाता हूँ इसकी कथा। तो दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा जयकारे लग रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी सी दूर आ गया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। पूरा महादेव मंदिर या परमेश्वर महादेव परशुरामेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कजरी वन में स्थापित है। कजरी वन में जो है पहले ऋषि जगतमणि और उनकी पत्नी रेणुका अब आश्रम में रहते थे। माता रेणुका रोज़ मिट्टी का घड़ा बनाकर शिवलिंग पे जल अर्पण करती थी। हिंडन नदी से रोज़ जल लाया करती थी। एक बार राजा शस्त्रबाहु अपना शिकार करते हुए माता रेणुका के आश्रम तक पहुंचा। तब वहाँ पे ऋषि नहीं थे, तो माता रेणुका ने उनकी अनुपस्थिति में राजा की खूब सेवा करी, उसको खूब अपना भोजन कराया, उसको विश्राम करने दिया। जब राजा को लगा कि इनके पास इतना सारी सेवा कैसे कर पा रहे हैं, तो उन्होंने जो है अपना माता रेणुका से इस बारे में पूछा, तो माँ रेणुका ने बताया कि उनके पास कामधेनु गाय है जिससे वो ये सेवा कर पा रही है। तब राजा ने जबरदस्ती कामधेनु भाई को माँ से ले जाने की कोशिश करी, लेकिन माता रेणुका ने उन्हें असफल खाली हाथ नहीं जाने दिया। उन्हें बहुत ही कोशिश करी लेकिन उन्हें असफल रहे अपनी कोशिश में। उसके बाद जो है राजा माता को ही उठा के अपने साथ ले गए हस्तिनापुर अपने महल में, और उन्हें ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर माता ने जो है यानी कि राजा की जो रानी थी, उसने अपनी छोटी बहन की मदद से माता रेणुका को अगले ही दिन माँ से रिहा करा दिया और उन्हें वापस कजरी वन की ओर भेज दिया। जब माता रेणुका वापस कजरी वन में आई और उन्होंने ऋषि को ये सारी बात बताई, तो ऋषि ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि तुम किसी पराया मर्द क्या एक दिन रह कर आई हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता और तुम यहाँ से छोड़ के मेरे घर आश्रम को छोड़ के चली जाओ। लेकिन माता ने मना कर दिया, माता नहीं गई। तो ऋषि ने अपने पुत्रों को कहा कि अपनी माता का वध कर दो। ऋषि के तीन पुत्रों ने तो मना कर दिया, लेकिन चौथे पुत्र जो कि परशुराम जी थे, उन्होंने अपने पिता ऋषि की आज्ञा मानी और माता का सर धर से अलग कर दिया। परशुराम जी को उस बात पे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दुख हुआ और उन्होंने जो है अपना सोचा कि उन्होंने गलत किया, तो उन्होंने भगवान भोले की अपना तपस्या करी। उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने बहुत तपस्या करी। तब भोले बाबा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। भोले बाबा उनकी खूब तपस्या से खूब खुश हुए, उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो जब परशुराम जी ने उनसे माँ को वापस जीवित करने के लिए कहा, तो भोले बाबा ने माता रेणुका को वापस जीवित कर दिया और परशुराम जी को एक फरसा दिया जिससे वो आगे जाके कहीं राजाओं के जो दुष्ट राजा थे उनके वध कर सके और अपने पापों से उनको मुक्ति दिला सके। तो ये थी परशुराम जी ने कि पूरा महादेव मंदिर की कहानी, जो कि परशुराम जी ने खुद स्थापित किए यहाँ पे शिवलिंग, जिसके अभी मैंने आपको दर्शन कराए। बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ की एक और बात है, यहाँ पे जो है शिवलिंग दिन में 3 बार रंग चेंज करता है, जिसका कोई वैज्ञानिक भी ढूंढ के जूझ चुके हैं, लेकिन उन्हें भी कोई राज्य नहीं मिला है। उन्होंने साइंटिफिक कई तरीके अपनाए लेकिन उसका रहस्य कोई नहीं ढूंढ पाया। तो चलिए आगे दिखाता हूँ आपको और यहाँ के बारे में। दोस्तों
मेरे दर्शन हो चुके हैं, दर्शन काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छे हुए, जैसा कि आप वीडियो में भी देखेंगे। आप लोगों को भी मैंने दर्शन कराने की कोशिश करी है और शायद सफलता थोड़ी बहुत हाथ लगी है। ये देख रहे हैं मेरे पीछे मंदिर, यहाँ पे कैसे पहुँचना है, कैसे आप आ सकते हैं, इस मंदिर की कहानी क्या है, यहाँ पे क्या क्या देखने को है। और अभी सावन चल रहा है इस वजह से इतनी भीड़ है, नहीं और मंडे भी आज, नहीं तो अन्य दिन यानी कि एक्स्ट्रा डेज जो है ये खाली रहता है, इतनी भीड़ नहीं रहती यहाँ पे। तो आप जैसे कि अब आखिरी सोमवार है सावन का, तो नेक्स्ट वीक से शायद यहाँ खाली रहे। और आज जो मेरे 1.5 घंटे में दर्शन हुए हैं लाइन में लगे लगे, और लेकिन दर्शन काफ़ी सुंदर हुए हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नया या जो भी ये वीडियो देख रहा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ मैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू।